किसान आंदोलन का छठा दिन है। पिछले 5 दिनों से एमएसपी समेत अपनी अन्य मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांग मानने को तैयार नहीं दिख रही है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है, तो सरकार की सख्ती के खिलाफ किसान संगठन भी एकजुट हो गए हैं और आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। तो क्या कुछ रहा किसान आंदोलन के छठे दिन खास, देखते हैं इस रिपोर्ट में। किसान आंदोलन के छठे दिन भी किसानों का संघर्ष जारी है। पंजाब हरियाणा से लगता हुआ शंभू बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों ने शंभू बॉर्डर पर निशान साहिब लगाते हुए कहा कि ये शांति का प्रतीक है और किसानों के मन से सभी किसानों को निशान साहिब से पीछे रहने को कहा गया है, ताकि प्रशासन को आंसू गैस के गोले न छोड़ने पड़े। कहा गया है कि जब हमारे नेता कहेंगे तो ही हम दिल्ली कूच करेंगे। आपको बता दें, किसान संगठनों के नेताओं की सरकार से 3 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर बैठक बेनतीजा रही। किसानों को सिर्फ निराशा हाथ लगी। किसानों ने ऐलान किया है कि अगर केंद्र सरकार के साथ होने वाली मीटिंग को लेकर कोई हल नहीं निकलता है तो हम दिल्ली कूच करेंगे। इसके साथ ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी और खाप प्रतिनिधियों की महापंचायत हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि हरियाणा के सभी संगठन एक मंच पर इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे, यानी किसानों का काफिला बढ़ने वाला है। यहाँ निहंग भी जमा होने लगे हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में फैसला लिया गया है कि 22 फरवरी तक पंजाब के सभी टोल फ्री रखे जाएंगे। इसके अलावा 20, 21 और 22 फरवरी को प्रदेश के सभी बड़े भाजपा नेताओं के घरों के सामने धरना देने की घोषणा की गई है। किसानों के बढ़ते प्रदर्शन को देख मोदी सरकार भी टेंशन में आ गई है। अब मीटिंग में कोई हल निकलता है या नहीं, सरकार किसानों को किए वादे पूरे करेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।